हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल एक्सप्लेनर। तो आज मैं ऑल ऑफ अस आर डेड का एपिसोड नंबर 2 फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पार्ट 1 में हमने ओसी और शॉन को देखा था जो खिड़की के रास्ते कैंटीन से निकल भागते हैं। बचे कुछ स्टूडेंट्स जो कैंटीन में बच गए थे और निकल नहीं पाते, ज़ॉम्बी उन सभी पर अटैक कर देते हैं। आगे हम शॉन और ओसी दोनों को देखते हैं जो बचते हुए क्लास में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स उन दोनों को अंदर आने देते हैं। सीन सीधे डिटेक्टिव पे कट होता है जो ली से पूछताछ कर रहे होते हैं। पूछताछ करते वक्त डिटेक्टिव को ये भी पता चलता है कि ली ने अपने बेटे को भी मारा है। डिटेक्टिव ली से अपने ही बेटे को मारने की वजह पूछते हैं तो हमें पता चलता है ली ने चूहे के एग्रेसिव नेचर के हार्मोन को निकाला था और उसे अपने बेटे जिनसू के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। क्योंकि उसका बेटा काफ़ी कावट था, वो सभी से डर कर रहता था। सभी बच्चे उसे बुली किया करते थे तो अपने बेटे को अग्रेसिव बनाने के लिए ली ने ये सब किया। लेकिन ली जो चाहता था वो नहीं हुआ, बल्कि कुछ गलत केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वायरस बन गया और उसका बेटा ज़ॉम्बी में बदलने लगा, जिसे उसने अपनी मॉम को भी काट लिया जो कि ली की वाइफ होती थी। सीन सीधे ह्योंसू पे कट होता है जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी में बन चुकी होती है। अब वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वो सभी डॉक्टर को वहाँ काटती है और ऑपरेशन थिएटर से निकल हॉस्पिटल में आगे बढ़ जाती है। आगे हम क्लास का सीन देखते हैं। स्टूडेंट्स ने अपना फ़ोन ढूंढ लिया होता है जो मिस पार्क ने उनसे पहले ले लिए थे। वो सभी मिलके पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं और इस ज़ॉम्बी अटैक के बारे में बताते हैं। ऑफिसर को मजाक लगता है और वो उनकी बातें बिल्कुल इग्नोर करता है। मगर जल्दी ही ऑफिसर को पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट्स मजाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पुलिस स्टेशन में ज़ॉम्बी रिलेटेड बहुत सी कॉल आ रही थी। पूरे स्टेशन में सिर्फ ज़ॉम्बी के बारे में ही बात चल रही होती है। पीटी टीचर वहाँ क्लासरूम में भागते हुए आते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें भी ज़ॉम्बीज ने काटा है, मगर वो सबको यकीन दिलाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर वो सब मिलकर डेस्क और बेंच को डोर पर रखते हैं जिससे ज़ॉम्बीज अंदर क्लासरूम में ना सकें। इतने में शाक की नज़र पीटी के हाथों में पड़ती है तो हाथों में काटने के निशान साफ थे और उसके तुरंत बाद टीचर ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। थोड़ी देर में पीटी टीचर ज़ॉम्बी में बन चुके होते हैं और मिसी नाम की लड़की को काट लेते हैं। ये देख सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को क्लास में बंद कर भाग जाते हैं। क्लास के बाहर निकलते ही उनका सामना और ज़ॉम्बीज से होता है। वो सभी ज़ॉम्बीज को सीढ़ियों से नीचे गिराते आगे बढ़ते हैं। शीकू उन ज़ॉम्बीज को रोकने की पूरी ताकत लगाता है और सभी को साइंस लैब में जाने को कहता है। वो सभी स्टूडेंट्स बड़ी मुश्किल से साइंस लैब तक पहुंचते हैं। आगे हम जुनसुंग और उसके दोस्त को देखते हैं जो टॉयलेट में फंसे होते हैं। इतने में वहाँ मिसिन आती है। जुनसुंग अपना घाव मिसिन को दिखाती है और उसे काटने दौड़ती है। मिसिन एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े से जो कि एक डंडा होता है उससे हमला करती है। वो जुनसुंग के मुँह के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ओजी और उसकी बेस्ट फ्रेंड इशाक को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। ओजी इशाक के हाथों को देखती है, उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा होता है। पहले तो वो छुपाने की कोशिश करती है मगर तभी उसकी नाक से खून काफ़ी तेज़ी से बहने लगता है और वायरस का असर होने लगता है। वो ओजी पर अटैक करने लगती है पर उससे पहले जुनसुंग इशाक को खिड़की से धक्का दे देता है। ओजी अपने आंखों से अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरता देखती है जिससे वो काफ़ी दुखी और डर जाती है। वो सभी फायर एक्सटिंग्विशर की पाइप से उस लैब को छोड़ते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी कभी भी अंदर आ सकते थे और वो सेकेंड फ्लोर में मिस पार्क के पास आते हैं। सब एक एक कर पहुँचते हैं मगर जब जुनसुंग निकलने लगता है ज़ॉम्बी तब तक अंदर आ जाते हैं। जियोनसू बिना पाइप पकड़े बिल्डिंग से कूद जाता है। तो गाइस, इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म होता है। क्या श्योंग और जुनसुंग मिस पार्क तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, या वो भी ज़ॉम्बी से मारे जाते हैं, ये हम एपिसोड 3 में जानेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।